श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं आपको शिव पुराण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहा हूँ, जिसको कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपनी कथाओं में बताया है। उसी उपाय को मैं आज इसमें बताने वाला हूँ। अगर किसी इंसान को त्वचा का रोग हो गया हो, त्वचा के रोग में किसी भी प्रकार का त्वचा का रोग हो सकता है, चाहे वो फोड़े फुंसी हो या फिर उसको दांत खाज खुजली हो या फिर सफ़ेद दाग हो या किसी प्रकार की झुर्रियाँ हो, कुछ भी त्वचा से रिलेटेड कोई भी यानी स्किन से रिलेटेड कोई भी डिसीज़ अगर आपको है, तो वो इस उपाय के करने से मात्र 3 दिन में ही ठीक होना शुरू हो जाती है। आपको करना क्या होगा कि जो आम के पत्ते होते हैं, देखिए आम के पत्ते जब झड़ जाते हैं, आपने देखा जब भी आप आम के पेड़ के नीचे जाओगे तो आपको वहाँ पे पत्ते पड़े हुए दिखेंगे, तो उन जो पड़े हुए नीचे जो पत्ते पड़े हुए हैं आम के पेड़ के नीचे जो सूख जाते हैं, उनको आप 21 पत्ते उठा के ले आइए। कितने पत्ते लाना है? 21 पत्ते लाना है और उन पत्तों को जलाकर उसकी भस्म बनाना है। यानी 21 पत्तों को लेके आए, उसकी भस्म बना ली और फिर जो आपने भस्म बनाई है उस भस्म को आप भगवान शिव के मंदिर में जाना है। लेकिन मंदिर जाने के जो समय रहेगा वो शाम को रहेगा, प्रदोष काल के टाइम आपको जाना है और वो भस्म को भगवान शिव पर लगा देना है। ये भगवान शिव के जो शिवलिंग है उसके ऊपर चढ़ा देना है। थोड़ी देर बाद वो भस्म को वापस लेना है, यानी थोड़ी देर लगी रहने देना है या थोड़ी देर वहाँ पर रखी रहने देना है और उसके बाद आप वापस उस भस्म को घर ले आइए। घर लाकर उस भस्म को जो गाय का शुद्ध घी होता है, गाय के घी में उसको घोल लीजिए और वो जो लेप बनेगा, वो जो आपने बनाया है गाय के घी में मिलाकर, उसको अब जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम है स्किन से रिलेटेड वहाँ पर आप उसको लगाना शुरू करिए। मात्र 3 दिन में ही आपका जो भी प्रॉब्लम है स्किन की, चाहे वो दाग हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, झुर्रिया पड़ गई हो या किसी भी टाइप का जो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो ठीक होना शुरू हो जाएगी और कुछ ही दिन में देखेंगे आप उससे पूरी तरह से ठीक हो गए। आशा करता हूँ कि ये उपाय आपको अच्छा लगा होगा। अगर उपाय अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तो आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।